भाजपा के सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने 1,05,320 वोट पाकर पहली बार जीत हासिल की। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह रावत से 43,143 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की। वहीं सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह रावत ने कुल 62,177 वोट पाया, जिसके संबंध में सहजनवा विधानसभा के भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप शुक्ला ने बताया कि सबसे पहले मैं सहजनवा की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर जीत हासिल करवाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दिन रात मेरे लिए प्रचार कर रहे सहजनवा के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में दोबारा प्रदेश में सरकार बन रही है, जो भी कार्य सहजनवा में बाकी थे उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के सहजनवा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, भाई थोड़ा सा पीछे थोड़ा जगह दीजिए यार, बारवा आइए आइए भैया भैया सहजनवा के जनता ने अपार समर्थन, जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं का अपार समर्थन मिला, उसके लिए आभार व्यक्त है। जो भारतीय जनता पार्टी पूज्य महाराज जी ने जो 5 साल का विकास कार्य किया है, उसके लिए फिर वो कार्य से फिर पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। गोरखपुर में 9 की 9 सीटें जीती गई है, सब लोग ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं, और फिर ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य का एकदम एक श्रृंखला बनेगा। सहजनवा की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।